राज खान केटीसी ग्रुप चेयरमैन की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे तुम्हारे सब फतेहपुर शेखावाटी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कदम और बढ़ाया है। यहाँ सारा इंडिया द्वारा संचालित सहारा इवोल्व का शुभारंभ किया गया है। सहारा इंडिया के राजस्थान चीफ सज्जन सिंह जी, शहर कोतवाल उदय सिंह यादव, केटीसी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज खान, सीनियर एडवोकेट और पत्रकार श्री प्रियवर जोशी, इनके साथ मौजूद मेहमानों ने धनतेरस से दो रोज पहले इस सारा इंडिया के अधिकृत फर्म एमडी इंटरप्राइजेस का उद्घाटन किया था और उसके बाद से लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार इंक्वायरी आ रही है, क्योंकि सारा इवोल्व्स की जो ई बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, लाइट से चलने वाली बाइक है, ये न केवल सस्ती है बल्कि अनुशासन सिखाती है, जैसा मुख्य अतिथि महोदय ने बताया था। इसके अलावा प्रदूषण से नियंत्रण करती है। या बढ़ता हुआ जो हमारा पॉल्यूशन रहा है, इस पॉल्यूशन का परिणाम ये रहा आज की तारीख में कि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कम होते हुए प्राकृतिक संसाधन और बढ़ता हुआ प्रदूषण, इन दोनों चीजों को रोकने के लिए सारा इंडिया परिवार ने इलेक्ट्रिक बाइक के परिक्षेत्र में अपना एक शुरुआत करी है और हमें खुशी है इस बात को लेकर कि फतेहपुर जैसे, ये कहा जा सकता है कि ये शहर नहीं है, नवाबों की नगरी है, बड़े बड़े यहाँ यानी हवेलियाँ राजस्थान के हर व्यक्ति की जबान पर है। पूरे फतेहपुर में घूम के आ जाएंगे तो कम से कम सैकड़ों हवेलियाँ अपनी बाहरी कलाकारी चित्रकारी के लिए जानी जाती, पहचानी जाती, भले उन्हें रहता कोई भी नहीं। आप ये तो कहीं ना कहीं ये शहर अपनी एक बहुत बड़ी एक विरासत लिए हुए हमारे बीच में है और आज सारा परिवार का एक पैरा बैंकिंग के साथ साथ, एक इंश्योरेंस के साथ साथ, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रूप के अंदर एक प्रतिष्ठान यहाँ होना, यह हम सबके लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। 20 पैसा प्रति किलोमीटर का खर्चा है, या ये कहा जा सकता है कि अगर कोई आसपास में शिक्षक नौकरी करता है या कोई आसपास में और कोई 150 किलोमीटर में कोई मार्केटिंग करता है, तो मेरा मानना है कि साल सवा साल के अंदर जो बाइक स्कूटी की कीमत है, वो कीमत जो है एक सवा साल के अंदर फ्री हो जाएगी आपकी है। जो बैटरी जो इसमें इस्तेमाल की गई है, वो बैटरी अपने आप के अंदर इतनी नायाब बैटरी है कि जिसमें लगभग 5 साल तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य व्हीकल की तुलना में इसका मेंटेनेंस लगभग 5 गुना कम है। तो मैं तो कहूंगा कि अब ये बढ़ते हुए प्रदूषण को, पेट्रोल के व्हीकल को आप अलविदा कहिए, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए और हमारे जेब के व्यवहार को संतुलित बनाए रखने के लिए, और आजकल के बच्चे तो ये कह सकते हैं कि ये सीआई साहब बैठे हैं कि आए दिन जो भी आसपास में एक्सीडेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं और स्पीड के कारण ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कहीं ना कहीं स्पीड का भी एक लिमिट होता है। 25 की स्पीड भी है, 40 की स्पीड भी है, 60 या 70 की स्पीड भी है। तो कम से कम एक इसके माध्यम से एक लोगों के बीच में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन का भी एक पार्ट जाएगा कि इजी ड्राइविंग, स्लो ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग का भी एक सिद्धांत सारा इंडिया परिवार ने प्रतिपादित किया। जब सन 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, इस परिक्षेत्र के भी कई लड़के, जवान जवान बच्चे कारगिल में शहीद हो गए, सारा इंडिया परिवार ने उनको 10 साल तक के लिए गोद लेकर उनके परिवार का लालन पालन करने की जिम्मेदारी ली, उनके बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, उनकी बच्ची की शादी हुई तो बच्ची की शादी की जिम्मेदारी ली, अगर बच्चा है तो बच्चे की शादी की जिम्मेदारी ली, 18 साल का होते बच्चे को नौकरी की जिम्मेदारी। तक अपन पर्यावरण की बात करते हैं, कितना पॉल्यूशन हो गया है और उस पॉल्यूशन को, ये तो 100% सही है कि भाई जब धुआं नहीं निकलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल अपन साफ फील करते हैं, प्रत्येक आदमी फील करता होगा कि कितना फर्क हो गया है। आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे देखते हो, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अपने को कितना मतलब वहाँ कितना पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन को लेकर के अब थोड़े दिनों में दिल्ली से तो बाहर कर ही दिए। अब मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि आबिद भाई ने इसको भी दिल्ली की तर्ज पे सबसे पहले फतेहपुर में शुरुआत कर दी। परिवार जो कि एक बहुत ही फौज की तरह, जैसे मैंने भी बीएसएफ में नौकरी की है, तो फौज की तरह एक अनुशासित परिवार है और सारा परिवार ने सभी को सहारा दिया है, नाम से ही सहारा है।